जय हिंद, मैं हवलदार नारायण संघ, आज हम बेंगलोर आए हैं और आज एक ऐसा इतिहास जानेंगे जो दुनिया को पता नहीं है, वो इतिहास जानेंगे। मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज जो हमारे सामने जो महान व्यक्ति है उनका नाम है मिस्टर प्रवीण माने। नमस्कार। ये जो व्यक्ति है, इनके पूर्वजों ने हिंदू का साम्राज्य बचाने के लिए अपना अस्तित्व दांव पे लगाया हुआ, ऐसा इनका पूर्वजों का इतिहास है, वो इतिहास उनसे हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके पिताश्री थे छत्रपति शाहजी राजे भोसले। इनका साम्राज्य कर्नाटका बेंगलुरु में सबसे ज्यादा था। उन्होंने 40 साल बेंगलुरु के ऊपर राज किया और छत्रपति शाहजी राजे भोसले, उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद ये जो इनकी सेना थी ये बेंगलुरु में बस गई, इसलिए ये बेंगलुरु में रहते हैं। इनका नाम है मिस्टर प्रवीण माने। इनके पूर्वज बैटल ऑफ हाइपा में भी थे और इनके पूर्वजों का बैटल ऑफ हाइपा में शहीद हो चुका इतिहास भी इनका है। आज हम इनसे ही जानेंगे कि बैटल ऑफ हाइपा क्या है और बैटल ऑफ हाइपा में इनके पूर्वज कैसे गए, कैसे वो शहीद हुए, ये इनसे ही जानेंगे। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा बेंगलुरु का इतिहास आपसे हम जानेंगे, प्लीज बताइए सर। जी नमस्ते, जय शिवराय मित्रों। मेरा नाम प्रवीण माने। मैं जो बताने जा रहा हूँ उस इतिहास के बारे में आपको, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, इसीलिए इस वीडियो के द्वारा आपको मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। बेंगलुरु शहर में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े संख्या में मराठा समाज रहता है यहाँ पे। जो मराठा समाज छत्रपति शाहजी राजे भोसले इनके साथ महाराष्ट्र से 400 साल पहले यहाँ पे आके बसे थे। जब शाहजी राजे भोसले, इनको बेंगलुरु का जागीरी मिला था बीजापुर के आदिल शाह के द्वारा, तभी यहाँ पे वो आए और 40 साल तक यहाँ पे राज किया था। बेंगलुरु आज पूरे दुनिया में मशहूर है, आईटी सिटी, सिलिकॉन वैली के नाम से पूरा दुनिया में मशहूर है। पहले एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था, ये छोटा सा गांव अभी पूरा विश्व में आईटी सिटी सिलिकॉन वैली के नाम पे जाना जाता है। इस शहर का, इस मुकाम तक आने के लिए शाहजी राजे भोसले इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जब वो 40 साल तक यहाँ पे राज करते थे तभी उन्होंने बहुत सारे ऐसे बाग बगीचे उन्होंने बनाए थे और यहाँ पे बहुत से लोगों को बसाने के लिए बहुत सारे ऐसे उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया बेंगलुरु में। और आज जाके एक छोटा से गांव से एक बहुत बड़ा सिलिकॉन वैली बना, उसमें शाहजी राजे भोसले इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी है, हम उसको आज भी याद करना चाहिए। आप हमको थोड़ा बैटल ऑफ हाइपा के बारे में बताइए, शाहजी राजे भोसले इनका निधन होने के बाद जो मराठी सेना थी उनका विस्तार कैसे हो गया? दोस्तों, यहाँ पे शाहजी राजे भोसले इनके निधन के बाद जो मराठा सैनिक यहाँ पे बसे हुए थे, ये यहाँ के जो हिंदू राजा थे मैसूर का संस्थान, वहाँ पे जाके इन्होंने सैनिक का काम करना शुरू कर दिया। और मैसूर के महाराजा उनके सैन्य में सिर्फ क्षत्रियों को काम में रखते थे, इसीलिए कर्नाटक का सबसे बड़ा क्षत्रिय समाज आज भी मराठा समाज है। इसीलिए मैसूर का सैन्य में भी बहुत बड़े मात्रा में करीब 50वीं सदी सैनिक मराठा ही थे। वडेयर के वंशज मैसूर में राज करते थे। बीच में 40 साल तक हैदर अली और टिप्पू ने इस राज पर कब्जा करके रखा था। तभी यहाँ के जो मराठा सैनिक थे उन्होंने टिप्पू और हैदर के साथ काम करना मंजूर नहीं था, उन्होंने उनके साथ सैनिक का काम करना छोड़ा था और गांव में जाके शेतकरी का काम करना शुरू कर दिया। फिर चौथे एंग्लो मैसूर का युद्ध में ब्रिटिश लोगों का सहायता, मराठा साम्राज्य का सैनिक थे उन्होंने भी सहायता किया, टिप्पू का उस युद्ध में मरण हो गया। दोबारा वडेयर वंशज का वहाँ पे राजभार शुरू हुआ। तभी जब वडेयर वंशज का राजभार वहाँ पे शुरू हुआ तभी दोबारा मराठा सैनिक जो
और टिप्पू के समय में सैन्य का काम छोड़ दिए थे, उन्होंने दोबारा आके मैसूर का जो साम्राज्य में सैनिक का काम करना दोबारा उन्होंने चालू कर दिया। मैं अभी बैटल ऑफ हाइफा के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और जो बैटल ऑफ हाइफा में जो मैसूर लैंसर्स का जो सैनिक थे उनका क्या योगदान था, और मराठा जो सैनिक थे मैसूर का सैन्य में, जो मराठा जो सैनिक थे उनका क्या योगदान था, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रथम महायुद्ध में इंग्लैंड का सहायता के लिए मैसूर का कुल मिलाकर 400 सैनिक शामिल हुए थे, और इस 400 सैनिक में करीब 50% सैनिक मराठा सैनिक थे, और सभी सैनिक घुड़सवार सैनिक थे। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश लोगों को हाइफा शहर का कब्जा करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हाइफा नगर एक बंदरगाह वाला शहर था और उसको कब्जा करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वो बंदरगाह के द्वारा पूरे जो उनका सैनिक थे उनको रसद सामान और गोला बारूद का भेजने के लिए ब्रिटिश लोगों को हाइफा शहर का कब्जा करना बहुत ही जरूरी था। हाइफा शहर का कब्जा करने के बिना वो प्रथम महायुद्ध जीतना समझो कि नामुमकिन जैसा था। इस दौरान क्या हुआ था, ब्रिटिश सैन्य ने हाइफा नगर के ऊपर कब्जा करने के लिए निरंतर प्रयास किया था, लेकिन वो सभी उनका प्रयास में वो नाकामयाब रहे। इंग्लैंड से पीछे हटने का आदेश मिला था और जो ब्रिटिश का सैन्य है पीछे हटने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन मैसूर लैंसर और जोधपुर लैंसर्स का जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक वहाँ पे थे, उनको पीछे हटने वाली बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बताया था वो एक क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय होने के नाते वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटते। एक तो वो युद्ध में जीत हासिल करते हैं, नहीं तो वो जो युद्ध में शहीद होना मंजूर है उनको। तो ऐसे बात उन्होंने बताया था ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को कि हम किसी भी कारण से हम युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले, ऐसा बात उन्होंने बताया था। ब्रिटिश अधिकारी ने जो भारतीय घुड़सवार दल था, मैसूर लैंसर और जोधपुर लैंसर्स, इनको हाइफा नगर शहर के ऊपर कब्जा करने का एक दायित्व दिया था, और इसी दौरान जो हाइफा नगर में ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और टर्की का सैन्य बल, संयुक्त सैन्य बल वहाँ पे उसका रक्षा करता था, और उनके पास आधुनिक मशीन गन, आधुनिक आर्टिलरी गन सब थे, लेकिन जो हमारे मैसूर लैंसर और जोधपुर लैंसर का जो सैनिक थे उनके पास सिर्फ भाले और तलवार इतना ही थे, और उनके पास कोई भी आधुनिक शस्त्रास्त्र कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने एक अप्रतिम साहस और शौर्य का परिचय देते हुए बैटल ऑफ हाइफा में जीत हासिल किया, और जो संयुक्त सैन्य था ऑस्ट्रिया हंगरी टर्की और जर्मन जो सैनिक थे उन सबको हरा दिया, और जो भी उनके पास आधुनिक शस्त्रास्त्र थे और जो भी उनके सैनिक थे उनको बंदी बना लिया था। सो जो बैटल ऑफ हाइफा का एक जीत है, जो मैसूर लैंसर्स और जोधपुर लैंसर्स ने बैटल ऑफ हाइफा में जो जीत हासिल किया, ये जीत एक अनोखी जीत है, क्योंकि पूरे जो इतिहास में, जो हजारों साल का इतिहास जो है उसमें हम देख सकते हैं ये बैटल ऑफ हाइफा एक एकमात्र उदाहरण है जो घुड़सवार सैन्य सिर्फ तलवार और भाले की मदद से एक आधुनिक जो शस्त्रास्त्र वाले एक सैन्य के ऊपर विजय हासिल किया था। ऐसा एक उदाहरण पूरा इतिहास में हम ये हाइफा युद्ध में एकमात्र उदाहरण हम देख सकते हैं, इसीलिए एक बहुत ही बड़ा जीत था,
और इस जीत की वजह से ब्रिटिश लोगों ने हाइफा के ऊपर कब्जा जमाया और उसके द्वारा पूरा प्रथम युद्ध में जीत हासिल किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो शाहजी राजे महाराज की फौज जो इधर आई थी उस टाइम, उसमें भी सैनिक आपके पूर्वज थे, पूर्वज थे बराबर, उसी के साथ बैटल ऑफ हाइफा में भी आपके कुछ पूर्वज थे जी, तो आप थोड़ा उनका इतिहास बता दीजिए जी। हमारे परिवार से बैटल ऑफ हाइफा में कुल मिलाकर 5 लोग उसमें शामिल हुए थे, उनका नाम मैं आपको बता दूंगा। पहले थे वेंकटराव माने, जिन जो बैटल ऑफ हाइफा में वहाँ पे शहीद हो गए और उनका समाधि आज भी कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स जो है इराक में बसरा वॉर मेमोरियल है वहाँ पे हम देख सकते हैं, उनका जो पैनल नंबर 68 है वहाँ पे उनका समाधि आज भी वहीं पे है। वो बैटल ऑफ हाइफा में शहीद हो गए थे, उनका नाम था वेंकटराव माने। और लिंबाजी पवार हमारे परिवार से उन्होंने बैटल ऑफ हाइफा में शामिल हुए थे और पूरा प्रथम युद्ध में वो शामिल हुए थे। और उनके साथ जो शामिल हुए थे राजोजी केसरकर और सुब्राव केसरकर और भीमराव तलेकर, कुल मिलाकर 5 लोग हमारे उस बैटल ऑफ हाइफा में शामिल हुए थे। और वेंकटराव माने वीर गति का प्राप्त किया वहाँ पे। और हमारे जो परदादा थे राजोजी केसरकर, उन्होंने इस युद्ध में अपना एक हाथ गवा दिया, लेकिन युद्ध में हाथ गंवाने के बावजूद वो युद्ध जीतने में एक बहुत बड़े किरदार उन्होंने निभाया और इस वजह से उनको ब्रिटिश अधिकारियों ने सैन्य मेडल से भी उनको नवाजा है। मैसूर का जो साम्राज्य था हमारे ऊपर बहुत अन्याय किया, इसी वजह से मराठा सैनिक उनसे बाहर होना शुरू हो गए, इसका कारण मतलब इससे टिप्पू सुल्तान पर क्या असर पड़ गया जी? शाहजी महाराज के निधन के बाद जो हमारे स्वराज्य के जो सैनिक थे, शाहजी महाराज के जो सैनिक थे मराठा सैनिक, वो एक हिंदू राजा के साथ शामिल हो गए। हमारे मैसूर के महाराजा के साथ उन्होंने वो सैन्य में शामिल हुए और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बीच में 40 साल तक छल और कपट से हैदर अली ने मैसूर के साम्राज्य के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ था। उस समय में जो हमारे मराठा सैनिक थे वो उनको हैदर अली और टिप्पू के साथ काम करना मंजूर नहीं था, इसीलिए वो सैन्य का काम छोड़ के उन्होंने शेतकरी का काम करना शुरू कर दिया। और क्योंकि जो हैदर अली और टिप्पू थे ये यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते थे, मंदिर तोड़ते थे और हिंदुओं को धर्मांतरण करते थे। इस वजह से हमारे जो मराठा जो सैनिक थे उनको ये मुस्लिम राजा के साथ काम करना मंजूर नहीं था, इन्होंने उनके साथ छोड़ के शेतकरी का काम शुरू कर दिया था। और दोबारा जब टिप्पू के निधन के बाद दोबारा जो वडियर जो राज वंशज है उनका जब दोबारा मैसूर के ऊपर उनका राज शुरू हुआ, तभी उन्होंने दोबारा आके सैन्य में शामिल होना शुरू कर दिया। मैसूर के राजा जो वडियर थे उनके उनके राज्य में जब हमारा मराठा जो सैनिक थे वो कितना परसेंटेज थे? मैसूर के महाराजा जो यहाँ पे क्षत्रिय राजा थे और वो अपने सैन्य में सिर्फ क्षत्रियों को ही रखते थे, इस वजह से कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा क्षत्रिय समाज मराठा समाज होने के नाते मैसूर का सैन्य में भी करीब 50वीं सदी सैनिक मराठा सैनिक ही थे। और पूरा जो 400 साल का जो मैसूर का जो साम्राज्य का इतिहास है, इस इतिहास में मराठा समाज और मराठा सैनिक का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसमें इनके पूर्वजों ने 5 पूर्वज बैटल ऑफ हाइफा में शामिल हुए, उसमें एक शहीद हुए, एक व्यक्ति ने हाथ गवा दिया लेकिन पीछे नहीं हटे, और
प्रवीण माने सर का इधर रहना, बेंगलोर में रहना, मतलब महाराष्ट्र 650 किलोमीटर दूर है, इनका बेंगलोर में रहना ये सिद्ध करता है कि इनके पूर्वज भी इधर आए थे। तो छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, इनके पास पूरे प्रूफ्स वगैरह है कि छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के सेना में इनके पूर्वज सैनिक थे, ये इधर आए, इन्होंने आदिलशाही में शामिल हुए, शिवाजी राजे आदिलशाही के सरदार थे, उनके साथ ये भी रहते थे। इनके रहने के बाद जब शिवाजी राजे का मृत्यु हुआ तब ये मैसूर रियासत में शामिल हो गए। तो आप इनको इतिहास की सबसे ज्यादा अभिरुचि है ये सिद्ध होता है। उसी के साथ साथ इनसे हम पूरे बेंगलुरु का इतिहास भी हम जानेंगे, आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो फोटो है आपको पता ही है, हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है, इनके घर में है। मैं शिवाजी राजे भोसले, इनके प्रति इनका प्यार भी बहुत सबसे ज्यादा है। मैं आपको मराठा लोगों का जो इकट्ठापन है उसका वीडियो भी अलग से आपको दिखाऊंगा, जो दशहरा पे हमने लिया था वो वीडियो आप देखेंगे तो मराठा लोग कैसे इधर इकट्ठा आते हैं ये भी पता चल जाएगा। अपने बेंगलोर में मराठा समाज अभी कितना है? अभी कुल मिलाकर मराठा समाज का आबादी 2.5 लाख आबादी है और कुल मिलाकर 4 लाख महाराष्ट्र से नाता रखने वाले लोग, मराठी बात करने वाले लोग यहाँ पे बेंगलुरु शहर में रहते हैं, लेकिन उनका जो मराठी भाषा बात करने का तरीका है अलग हो सकता है, लेकिन वो सब अपने भाषा के ऊपर बहुत गर्व महसूस करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लोगों के कहना चाहूँगा, ये बेंगलुरु में रह के, जो आज कर्नाटका में बेंगलुरु है उसमें रह के भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इनका नितांत निष्ठा है। उसी के साथ साथ वेंकोजी राजे भोसले ने भी यहाँ मंदिर बनाए, उनका इतिहास भी आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये महाराष्ट्र कर्नाटक में रहते हुए भी इतिहास के प्रति और अपने छत्रपति के प्रति इतना प्यार रखते हैं तो हमारा दायित्व कितना बनता है ये हमने सोचने वाली बात है। मैं सभी महाराष्ट्रवासियों को ये बताना चाहूंगा, अब जरूर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर निष्ठा रखिए, जैसे उन्होंने कार्य किया वैसा कार्य हम भी करने की कोशिश करें, जैसे तो हम बनेंगे नहीं, उनके निशाने के ऊपर अगर हम चलते जाएंगे तो निश्चित ही हमारी यात्रा भी सुखद और सुलभ हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उदाहरण बताना चाहूंगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज 13 साल के थे, पुणे में रहते थे, उसी समय उन्होंने तोरणा किले पे आक्रमण किया, उनके साथ सिर्फ 50 लोग थे। जब तोरणा किले पे आक्रमण किया और तोरणा जीत लिया, ये बात आदिल शाह को पता चल गई। जैसे वो बात आदिल शाह को पता चली वैसे आदिल शाह जोर से हंसा था, ये छोटा बच्चा शाहजी राजे भोसले सरदार का बेटा है और वो हमारे एक किला ले लिया तो क्या हो गया, किले में कुछ नहीं है, 50 लोगों के साथ पहला किला लिया, आदिल शाह हंसा, लेकिन उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 360 किले लिए, आदिल शाही को महाराष्ट्र में देखने का समय नहीं दिया, ऐसा काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। इसलिए भाइयों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हमेशा शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर आप कोई भी चीज की शुरुआत करना है वो छोटे से ही होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शुरुआत ये 50 सैनिक से हुई थी और वो जाके लाखों सैनिक और इतिहास में अजरामर रह गए वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये एक इतिहास है, लेकिन इस इतिहास के ऊपर हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हमारा जन्म इस पृथ्वी पे कुछ सालों के लिए है, हम परमानेंट इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, लेकिन पृथ्वी पे वो बात रह सकती है, पृथ्वी पर ये बात रह सकती है कि आपने किया हुआ कर्म, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्म अच्छा किया इसलिए उनका नाम अमर है। वैसा अपना भी धर्म है कि हम भी अगर थोड़ा बहुत कर्म अच्छा करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में इतिहास में हमारा भी नाम अजरामर हो सकता है। इनके पूर्वज वेंकटराव माने वो बेटल ऑफ हाइपो में शामिल हो गए, गोलियां खाने के लिए आगे गए, गोली खाई भी होगी, जख्म लगा भी होगा, खून निकला भी होगा, उधर शहीद भी हो गए। वो अगर उस लड़ाई में शहीद नहीं भी होते, वो उस लड़ाई में नहीं भी जाते तो भी बुढ़े होकर वो मर जाते, उनका नाम ये आदर के साथ नहीं लेते क्योंकि भूल जाते। लेकिन बैटल ऑफ हाइपा में पहले नंबर 68 पे इराक में उनकी समाधि है, ये बहुत बड़ी बात बता की जाती है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वेंकटराव माने का नाम रहेगा, ये उससे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने अलग किया, अलग करने के लिए थोड़ा ढालस करना पड़ता है। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है कि मेरा बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे बच्चे को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इनके पूर्वज ने इनके बेटे को लड़ाई के लिए भेज दिया
और वो तो स्वर्ग में चले गए, लेकिन उनके साथ साथ उनके पीढ़ी को उनके ऊपर गर्व महसूस हो गया, क्योंकि आज अगर इनके पूर्वजों का ही इनके ऊपर आशीर्वाद है, इस इतिहास की जानकारी इनको ज्यादा है। इनके साथ मैं घुमा हूँ, बेंगलोर में अभी मैं घूम रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ। ये व्यक्ति 40 साल का है, लेकिन इनको ये रिस्पेक्ट जो है वो 80 साल के व्यक्ति को मिलती है, वैसी रिस्पेक्ट मिलती है। उनमें नम्रता है, हर एक को रिस्पेक्ट देने की भाव है। ये भाव मैं इनको देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और मैं इनके सानिध्य में आया, मैं मेरे को भाग्यशाली समझता हूँ। इनके पूर्वजों ने जो हिंदुस्तान या हिंदू साम्राज्य के लिए जो भी किया, इसके लिए मैं इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आज माने सर ने जो हमको बेंगलुरु में जो जानकारी दी, और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो आपका जो प्यार है वो दिखाया, इससे हमको थोड़ी सी हमारे राज्य के प्रति और भी कुछ करना चाहिए। ये हमारे से दूर रह के भी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के फुटप्रिंट के ऊपर चले, और आने वाले समय में हिंदवी साम्राज्य जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बढ़ाया था, वैसे भारत का नाम भी इतिहास में सबसे ऊंचे लेवल पर रखने का कार्य हम लोग सब करेंगे, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। आज मिस्टर प्रवीण माने सर के साथ जो बात करके जो दिल को तसल्ली हुई, और आने वाले समय में आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतना ही कहता हूँ। और मैं इधर ही रुकता हूँ। जय हिंद, जय भवानी, नमस्कार सर। जय जय।